Welcome to our first chapter. That is the last lesson. जी हाँ, first chapter का ही नाम है the last lesson, जिसको कि अल्फांसो ट्यूबिट ने लिखा है. Chapter start करने के पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं कि अपन summary पे क्यों नहीं जाते. Dear students, जब अपन chapter पढ़ते हैं तो अपन को facts याद होते हैं, जबकि जब अपन summary पढ़ते हैं तो अपन को सिर्फ story का scene याद होता है. और जब आप answers लिखते हैं तो आपको अगर quality of answer अच्छा रखना है अपना, या आपको अपने आंसर की क्वालिटी दूसरे स्टूडेंट्स की क्वालिटी से बिल्कुल अलग रखनी है, तो उसके लिए आपको कुछ फैक्ट्स जानना जरूरी होंगे. इसलिए सबसे पहले अपन पढ़ेंगे अपना पूरा चैप्टर और बाद में आएगी आपके लिए समरी. तो आइए शुरू करते हैं. जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये स्टोरी बेस्ड है फ्रांस और प्रशिया के वॉर पे, जो कि 1871 में हुआ था. और इस स्टोरी को लिखा है अल्फांसो डोइट ने, जो कि एक शॉर्ट स्टोरी राइटर है. इस पूरे वॉर में फ्रांस हार गया था और जर्मनी जीत गया था. और ये रहा आपके सामने मैप, जिससे कि आप इजीली लोकेट कर सकते हैं कहाँ है अपना जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड एंड ऑस्ट्रिया, जिसके बारे में हम अब पढ़ेंगे. और यहां स्टार्ट होती है अपनी स्टोरी. इसमें दो मेन कैरेक्टर्स रहते हैं, जिनमें से एक रहते हैं सर, और यू कैन कॉल फैकल्टी मिस्टर हैमल, जो कि काफी स्ट्रिक्ट होते हैं. और दूसरा रहता है एक स्कूल बॉय फ्रांस, जो कि थोड़ा नॉटी टाइप्स होता है. और आप चाहें तो आप अपनी बुक्स भी खोल सकते हैं, ताकि जो भी रेड वर्ड्स दिख रहे हैं उनका आप मीनिंग तुरंत ही लिखते जाइएगा. सबसे पहले मैं आपको मीनिंग क्लियर कर देती हूँ. रेड का मतलब होता है भय, डर, जो कि उसके मन में था, किसके, फ्रांस के मन में. सॉमिल का मतलब होता है जो वुडन का काम होता है जहाँ पे, दैट मीन्स जहाँ पे पेड़ काट के जो लॉग्स होते हैं पेड़ के, उसको शीट्स बनाते हैं, वो होता है सॉमिल. टेम्पिंग मतलब बहुत ही अट्रैक्टिंग. और स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट मतलब हिम्मत ना होना किसी चीज को अपोज करने की. तो चलिए देखते हैं इस पैरा में क्या है. यहाँ पे फ्रांस स्कूल के लिए बहुत लेट निकलता है और वो बहुत डरा हुआ होता है. क्यों? क्योंकि मिस्टर हैमल ने जो पार्टिसिपल पे उसे होमवर्क दिया था वो तो उसने किया ही नहीं, और इस डर की वजह से उसका स्कूल जाने का मन भी नहीं होता है. और जब मन नहीं होता है और वो बाहर निकलता है तो देखता है हाँ, वेदर तो बहुत ही अच्छा है, ब्राइट है, मस्त सा है, और बर्ड्स जो चिरपिंग कर रही है वो बहुत अच्छी लग रही है, और सॉमिल से इवन जो आवाज आ रही है पर्शियन सोल्जर्स के ड्रिलिंग की वो भी बड़ी अच्छी लग रही है. लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अपोज कर सके स्कूल जाने के लिए. एक फ्रेज यहाँ यूज हुई है, स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, मतलब ही डिड नॉट हैव द करेज टू अपोज, और इस वजह से उसको स्कूल के लिए निकलना होता है. और अब बारी आ गई है स्कूल जाने की. सबसे पहले वर्ड मीनिंग देख लेते हैं. अप्रेंटिस का मतलब होता है ट्रेनिंग. तो जब वो फ्रेंड्स स्कूल जा रहा होता है तो रास्ते में उसको एक बुलेटिन बोर्ड दिखता है, और ये बुलेटिन बोर्ड अक्सर बैड न्यूज़ लाता है, या कोई भी वॉर जो भी उन लोग बैटल हारे हुए होते हैं, और कमांड लेके आता है, जो कुछ भी बंद करने की कमांड होती है. तो वो जब रास्ते में देखता है बुलेटिन बोर्ड के पास काफ़ी भीड़ लगी हुई है, तो वो एक सेकंड के लिए तो रुक के सोचता है कि पढ़ लूँ, लेकिन फिर उसे याद आता है कि शायद उसको डांट पड़ जाए स्कूल लेट पहुँचने पर, और वो सोचता है कि छोड़ो सा, मुझे तो भाग दौड़ के कैसे भी स्कूल पहुंचना है. और इतने में वो मिस्टर हैमल के गार्डन पहुंच जाता है. होपफुली आप बुलेटिन बोर्ड का मतलब समझ गए होंगे. अगर फिर भी नहीं समझ में आया है तो आपको एक इमेज इंसर्टेड दिख रही है, वो देख लीजिए. आपने अक्सर कहीं कहीं देखा होगा बुलेटिन बोर्ड्स लगे हुए. जी हाँ, ये वही है. और यहाँ पे बहुत सारी क्राउड इकट्ठी हो गई थी न्यूज पढ़ने के लिए. आइए वर्ड मीनिंग्स देखते हैं. बसल का मतलब होता है, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मिस्टर हैमल, फ्रेंड्स और पूरी क्लास को. सो स्टार्टिंग विद द वर्ड मीनिंग, सोलम का मतलब होता है सीरियस, गंभीर, जिसे हम बोलते हैं. माउंटेड हियर मीन्स ट्विस्ट, जो अपन चेयर को हल्का सा ट्विस्ट करते हैं ना उठते वक्त या बैठते वक्त, वो. एंड ग्रेव टोन मीन सीरियस टोन.
in a low voice. Fine. So we'll start now. वहाँ पे स्कूल बिल्कुल स्ट्रेंज लग रहा होता है, गंभीर सीरियस सोलम लग रहा होता है, है ना? और फ्रांस को सब कुछ सरप्राइजिंग लग रहा होता है, क्योंकि बैक बेंचर्स जो कुछ जो हमेशा खाली पड़ी होती थी वो बिल्कुल भरी हुई है. एंड द ओल्ड हॉसल, हॉसल यहाँ पे मीन्स ओल्ड फार्मर, एक फार्मर की बात की है जो कि थ्री कॉर्नर हैट लगाया हुआ है. फॉर्मर मेयर मतलब पुराने मेयर, पोस्ट मास्टर, वहाँ पे सब लोग अवेलेबल हैं. फाइन. और जो हॉजर है वो एक ओल्ड प्राइमर था, मतलब ओल्ड प्राइमर का मतलब होता है एक ओल्ड रीडर बुक, जैसे कि हम कोई भी लैंग्वेज समझते हैं ना, वो ओल्ड रीडर बुक लिए हुए हैं. थम्ड एट द एजेस, थम्ड एट द एजेस का मतलब होता है जो कि कोने से टॉर्न आउट हो चुकी हैं, खराब हो चुकी हैं. जैसे अपन बुक्स अच्छे से नहीं रखते हैं तो उनके कोने या तो अलग हो जाते हैं या फिर मुड़ जाते हैं, इन दैट सेंस. फाइन. तो वही हो गया है. और वो अपने नीज पे रखते हैं, गोदी में रखते हैं बुक को, और उस पर स्पेक्टेकल्स रखे हुए होते हैं. मिस्टर हैमल इतने में चेयर से उठते हैं और ग्रेव और जेंटल टोन में बोलते हैं, माय चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू. ये अब लास्ट लेसन होगा. क्यों होगा? द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एसएस, मतलब अब सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी. और वो तो फ्रांस के टीचर थे तो वो अब कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे. दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव. और अब वो बहुत ही इस सीरियस मोड में पढ़ाना चाह रहे हैं. और ये सब सुन के जो मिस्टर हैमल ने बोला, फ्रांस को एकदम से झटका सा लगता है. एंड झटका वर्ड को यहाँ पे उन्होंने यूज किया है थंडर कैप, दैट मीन्स उसको एकदम से धक्का सा लगता है ये सुन के कि ये उसका लास्ट लेसन होगा. तो सबसे पहले अपन वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं. ग्रिचस का मतलब है अनफॉर्चुनेट, क्रैंकी का मतलब है स्ट्रेंज. अब यहाँ पे फ्रेंच को बड़ा अनफॉर्चुनेट सा फील होता है कि अरे यार मैंने क्यों नहीं सीखी फ्रेंच अभी तक, मुझे कितने सारे मौके मिले तो मैं कभी बर्ड्स देखने निकल गया, एक सात नाम की रिवर है तो कभी मैं वो देखने निकल गया, है ना? और उस बैग को मैंने कितना बर्डन फील किया. यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है नियॉन्सेंस, उसका मतलब होता है बर्डन. मैंने क्यों इतना बर्डन फील किया अपनी ग्रामर बुक को कैरी करने में, जिसमें हिस्ट्री होती थी सेंस की. अरे कम से कम समझ लिया होता तो आज फ्रेंच तो आ रही होती. लेकिन नहीं, उसके बाद उसे ये भी समझ में आता है कि मिस्टर हैमल कितनी अच्छी फैकल्टी थे, इरिस्पेक्टिव ऑफ उनका बिहेवियर कैसा था या वो कितने स्ट्रिक्ट थे. उसको फील ये होता है कि ओ अब तो वो हमें फिर से नहीं मिलेंगे. एंड एट लास्ट उसको ये भी समझ आ जाता है कि आज लास्ट बेंचेस भरी हुई क्यों है विलेजर्स से, इन द ऑनर ऑफ लास्ट लेसन, क्योंकि ये लास्ट लेसन है और हर कोई इसको अटेंड करना चाहता था. अब इतने में मिस्टर हैमल फ्रांस का नाम बोलते हैं और वो अपने बेंच पे खड़ा होता है और वो ये सोचता है कि अब मैं कैसे समझाऊंगा, क्योंकि होमवर्क तो उसने किया नहीं होता है. जैसे ही वो बोलना स्टार्ट करता है वो सब कुछ मिक्सअप कर जाता है. और जैसे ही वो मिक्सअप करता है, मिस्टर हैमल उसको समझाते हैं कि मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रांस, लेकिन तुम्हें खुद भी समझ में आ रहा होगा कि ये कितना बुरा हुआ है. अगर आज सीख लिया होता तो ये प्रॉब्लम नहीं आती. अब तुम किसी को भी बोलोगे कि तुम एक फ्रेंच मैन हो तो ना तो तुम्हें फ्रेंच लिखना आती है और ना ही फ्रेंच पढ़ना आती है, तो किस बात के फ्रेंच मैन भाई. तो ये तो बहुत ही बड़े दुख का विषय हो गया है उन लोग के लिए. एंड इसलिए तुम्हारी के पीछे तुम्हारी गलती नहीं है, इसके पीछे गलती है तुम्हारे पेरेंट्स की और मेरी, दैट मीन्स मिस्टर हैमल की. पेरेंट्स की कैसे, वो ऐसे कि उन्होंने हमेशा बिलीव किया कि वो काम पे फोकस करे जिससे कि मनी अर्न हो पाए. और मिस्टर हैमल का कभी मन हुआ तो उनने पेड़ों में पानी डालने बोल दिया, कभी उनका फिशिंग का मन हुआ तो उनने छुट्टी दे दी. इस वजह से लेसन कभी कंप्लीट नहीं हो पाए और लिटिल फ्रांस कभी फ्रेंच नहीं सीख पाया. और अब मिस्टर हैमल बात पे बात करते करते आखिरी में बोलते हैं कि फ्रेंच जो एक ऐसी लैंग्वेज थी जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड थी, इनफैक्ट ब्यूटीफुल ही नहीं, क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज थी वर्ल्ड की. और वो बोलते हैं कि ये हमें गार्ड करके रखना चाहिए, हमें इसे भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन वॉर से जीतने के लिए हमें ये कहीं ना कहीं काम आएगी. और इसको उनने किस वे में बोला अब हम ये समझते हैं. उन्होंने वर्ड यूज किया है दैट इज एज इफ दे हैड
the key to their prison, मतलब key to their prison का मतलब यहाँ पे ये है कि वो एक चाबी के जैसे काम आएगी, ताले की चाबी जो जेल में लगा हुआ है, है ना? Finally he opened the grammar and read a मतलब उन्हें grammar का एक chapter पढ़ाया, उसके बाद फ्रांस को इस बार चैप्टर इतने अच्छे से समझ में आया, इतने अच्छे से पहले जितने अच्छे से पहले उसे कभी समझ ना आया हो. द रीजन वॉज फ्रांस का इस बार पूरा कॉन्सेंट्रेशन चैप्टर पे था. और फ्रांस खुद इस बात को एक्सेप्ट करता है कि ऐसा लग रहा था आज उन्होंने कुछ स्पेशल पढ़ाया हो, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हो. और एक्चुअल में मिस्टर हैमल की यही कोशिश थी कि उनका पास जितना भी फ्रेंच से रिलेटेड नॉलेज है वो स्टूडेंट्स को पूरा एक स्ट्रोक में दे दे, पूरा एक बार में जितना कन्वे कर सकते हैं कर दे. ग्रामर के बाद अब आई थी राइटिंग की बारी. एंड दैट डे मिस्टर हैमल सबके लिए नई कॉपीज लेके आए थे, फाइन, और उस पर ब्यूटिफुल राउंड हैंड में लिखा हुआ था फ्रांस एल्सेस, फाइन. और उस दिन सब कुछ इतना शांत था, आवाज आ रही थी तो सिर्फ एक ही चीज की आ रही थी और वो थी पेन की, जो कि आप जब पेपर पे पेन चलाते हो और बहुत सारे लोग एक बार में चलाते हैं तो जो एक आवाज आती है ना, सिर्फ उसी चीज की आवाज आ रही थी, फाइन. और कुछ बीटल्स इस बीच में आए लेकिन किसी ने भी उन पर फोकस नहीं किया. हर किसी का अटेंशन कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ उस लेसन पे था जो मिस्टर हैमल उन्हें कन्वे करना चाह रहे थे. उसके बाद कुछ पिजन्स ने कू साउंड भी किया और एक सेकंड के लिए फ्रेंड्स को लगा कि अब क्या इनको भी सिखाओगे क्या नई लैंग्वेज. देन अगेन उसने मिस्टर हैमल को देखा और मिस्टर हैमल को देखा तो वो ऐसे बैठ के एकदम ध्यान से चीज़ों को घूर रहे थे. ऐसा लग रहा था जैसे वो सब कुछ एक बार में याद करना चाह रही हूँ कि कौन सी चीज़ किधर रखी हुई है. और अब यहाँ की एक एक चीज़ को डिस्क्राइब किया गया है क्योंकि वो 40 इयर्स से थे यहाँ पे तो उनकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी यहाँ से. जो गार्डन था आउटसाइड उसको वो बड़े ध्यान से देखते हैं. जो डेस्क और बेंचेस थी वो तो बिल्कुल यूज हो के वॉन स्मूदर हो चुकी थी. और जो वॉलनट ट्रीज थे वो बड़े बड़े हो चुके थे, है ना? तो कुल मिला के जब आप पैसेज रीड करेंगे तो आपको समझ में आएगा यहाँ कुछ फैक्ट्स डिस्क्राइब्ड है ना, जो कि अगर आपको क्वालिटी ऑफ आंसर सुधारना है तो आपको याद करने होंगे. अब देखते हैं नेक्स्ट. आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री. उसके बाद उन्हें हिस्ट्री पढ़ना था. एंड देन द बेबी चैंटेड बा बी बी बो बो. अब आती है ओल्ड हॉजर की बारी. ओल्ड हॉजर अपने स्पेक्टेकल्स लगाए हुए हैं और होल्डिंग हिज प्राइमर्स इन बोथ द हैंड्स, मतलब ऐसे करके जो अपन बुक पकड़ते हैं ना वो पकड़े हुए हैं. और उन्होंने रीडिंग स्टार्ट की. अब रीडिंग इन सच अ वॉइस जब आपको बहुत दुख हो तो वो इट वॉज लाइक वो रो भी रहे थे, है ना? तो वो इतनी फनी सी हो गई थी कि सबको हंसी भी आ रही थी और रोना तो डेफिनेटली आ ही रहा था बिकॉज द मोमेंट वॉज इमोशनल, है ना? How well I remember it, that last lesson. All at once, the church clock struck 12. अब चर्च की क्लॉक में 12 बज गए हैं और जो ऑर्डर आया था वहाँ से वो इनको फॉलो करना ही करना है. तो इतने में मिस्टर हैमल खड़े होते हैं अपने सीट से और बड़े पेल से, मतलब दुखी फेस है उनका, बहुत दुख है उनको अंदर से. और फ्रांस को आज वो इतने लंबे नजर आ रहे हैं जितने लंबे की कभी दिखे ही नहीं, बिकॉज सबके दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चल रहा है ना? एंड एवरीवन इज इमोशनल है. देन मिस्टर हैमल बोलते हैं, माय फ्रेंड्स, आई, वो जो आई और आई उनने बोला है वो उसमें ऐसा टोन है, इतना दर्द है उनके वॉइस में कि वो आगे कुछ बोल ही नहीं पाते हैं. उनका पूरा जो गला होता है वो चोक हो जाता है, है ना? एंड ही कुड नॉट गो ऑन. तो इसलिए वो क्या करते हैं, ब्लैक बोर्ड पे टर्न करते हैं और एक पीस ऑफ चॉक से फिर लिखते हैं. और लिखते क्या है वो, वाई विल लव फ्रांस, मतलब लॉन्ग लिव फ्रांस, इतना लिखते हैं. और इतने में वो अपने हैंड रेशर्स से सबको ये मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि अब स्कूल डिसमिस हो चुका है और आप सब जा सकते हैं. और फ्रेंड्स अब ये स्टोरी हो गई है खत्म. और होपफुली आपने इसको एंजॉय भी किया होगा और साथ ही साथ फैक्ट्स भी याद कर लिए होंगे.
अब अगर आप एक बार भी नॉर्मल रीडिंग करते हैं ना, तो आई एम डैम श्योर कि आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, और जल्द ही आपके लिए समरी भी आएगी, और अब आपको बस समरी देखने की जरूरत है, पूरा सारा पढ़ने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी।